हेलो फ्रेंड, लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे पोहे से मंचूरियन। आज मैं जिस तरीके से बना के आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे बताए हुए तरीके से एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पोहा और मिक्सी में डाल के इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने सारा पोहा को मिक्सी में पीस लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है। और ये देखिए, ये है पत्ता गोभी, इसको भी छोटा छोटा करके हमने काट लिया है। चलिए अब हम पोहे के ऊपर सारा पत्ता गोभी को डाल देते हैं। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा। अभी हम इसका ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप एक साथ इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये हमने डाल दिया और थोड़ा सा पानी। चलिए अब हम फिर एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, अब ये रेडी हो गया है। अभी हम इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया था। अभी हम पोहा के मिक्सचर को गोल गोल कर लिए हैं और इसको तेल में एक एक करके डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब जब भी इसको फ्राई करें, गैस को मीडियम फ्लो पर रख के फ्राई करें। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। चलिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा फास्ट बैच बन के रेडी हो गया है। और ये हमने डाल दिया हमारा सेकंड बैच। और इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके सारे पोहा को पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये भी फ्राई हो गया है। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने सबको फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, जिसको हमने बारीक करके काट लिया है। और ये हमने डाल दिया थोड़ा सा प्याज, इसको भी बारीक करके काट लिया है। अभी हम इसको गोल्डन कलर खाने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्चा। और ये हमने डाल दिया शिमला मिर्चा, इसको भी फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम एक एक करके इसमें सारे सूखा मसाला को डालते जाएंगे। ये हमने डाल दिया एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। ये देखिए कैसे इसमें उबाल आ रहा है। अभी हम इसमें सारे पोहा के पकौड़ा को डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। चलिए अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। अभी रेडी हो गया है दोस्तों। अभी हम इसको प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों, आज का ये मेरा पोहा का मंचूरियन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।